के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सामने सामने देखिए मैम, वरुण सामने देखिए, भूत आया, भूत भूत आया। Done, guys? Yes, yes. Yeah. 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 So, both of you here? Left side? Yeah, left side. Yeah. तुझे बैग लेना है क्या अपने? नहीं ले, हो गया हो गया। ये हाथ पीछे लीजिए ना, उसका नाम है मंगल। क्या जिसका नाम है मंगल? ये ऐसी एरिया है जो दो तीन कब्रस्तानों के बीच में पैक, तो उस लोग पर उधर के लोग ऐसे ढीठ है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा एक भूतिया घर, एक घर है जो पूरा घिरा हुआ है, कैप्टन बर्न्स वहीं मिलेगा। चलो ना साथ में। कैमरा पीछे का, मैं भी पीछे। ओके यहाँ पे ताला ही लगा हुआ है। ओके गो आई थिंक सो। ओके तो अंदर जाओ। सो ऐसी जगह है जहाँ शायद कोई रहता नहीं, शायद बोला तो वैसे बोले तो तीन कब्रस्तानों के बीच में पकड़ा हुआ है, और पर इधर के लोग ऐसे ढीठ हैं कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, और रह रहे सालों से उनको से रह रहे, तो कोई बात नहीं। पर फिर भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इधर हो। चलो रिस्पॉन्स इज वेरी पॉजिटिव। बेस्ट पार्ट इज की पीपल हैव लव्ड द स्टोरी, एंड बिकॉज अपने पार्ट में ऐसे रिलीज किए थे, सो लॉट ऑफ पीपल वर लाइक यार ये तो एंड नहीं हो सकता, बट द लास्ट सिक्स एपिसोड्स रियली अनरिवील्ड द स्टोरी, एंड दैट रियली वर्क्ड फॉर द एंटायर टीम ऑफ रागिनी। या आई थिंक वी हैव सक्सेसफुली डिलीवर्ड द मैसेज जो हम इतने टाइम से इंडिया की सोसाइटी में देखते आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। सो हमें बहुत अच्छा एक कमेंट मिला था कि कस्तूरी रियल लाइफ में भी होनी चाहिए, एंड कस्तूरी का मेन मोटिव था दैट शी वांट्स टू किल ऑल द क्रीप्स दैट ट्रबल द विमेन। तो आई थिंक ये मैसेज जो एकता ने भेजा है थ्रू रागिनी, आई थिंक काफ़ी लोगों का समझ आया है, एंड होपफुली बदलाव है। न्यू ईयर स्टार्ट होते ही आप एक हॉन्टेड बंगले के बाहर आ गए, जिस बंगले में आप लोग गए थे
के मैनेजर तो आप थे यहाँ का मैनेजर अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, होप दिखे भी ना ये मैनेजर तो बहुत हैंडसम था तो ठीक है, रागिनी को चलता है एग्जैक्टली तो तब ठीक था, लेकिन गारंटी यहाँ के मैनेजर कोई लाइन नहीं मारेगा। इतना डर तो शूट करते वक्त भी नहीं लगा था क्योंकि यहाँ पे जब बताया गया कि तीनों तरफ कब्रिस्तान है तो वो फीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल है कि आपके आसपास देयर पीपल अंडरनीथ द ग्राउंड जो अभी जिंदा नहीं है, तो है या कुछ नहीं है वो फीलिंग एक आती है कि यार यहाँ पर कुछ लोग मरे हैं और अभी तो आप सब मीडिया हमारे साथ में, तो ऐसे हम लोग झुंड में चल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे अकेले तो मैं कभी नहीं आऊंगा, अकेले तो हमसे होगा ही नहीं, हम दोनों भी आएंगे तो भी नहीं होगा मुझसे। ये हॉन्टेड घर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये काफी क्रीपी है, मैं देख ही नहीं रही हूं। अपेरेंटली बताया गया है कि ये घर टूटा था और ये घर रिपेयर नहीं हुआ था और अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है फॉर सम वियर्ड रीजन, आई डोंट नो, तो दैट इज समथिंग जो मुझे जानना भी है और नहीं भी जानना। हां तो जब आपको बोला गया ढूंढा थोड़ी बहुत रिसर्च की एंड हमने जितनी रिसर्च की उसके हिसाब से हमें लगा कि भाई प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए, ये अच्छा प्लान नहीं है, बट देन फिर दिया जीवा ने हौसला दिया कि नहीं करना है ये, अच्छा इट विल बी फन, यू विल एक्सपीरियंस, मे बी कुछ स्पूकी मिल जाए, कुछ दिख जाए। शो पे तो इतना नहीं हुआ, हां रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर लो, तो यस वी आर हियर फॉर दैट। न्यू ईयर के लिए क्या रेजोल्यूशन है और क्या नया प्रोजेक्ट आने वाला है, आप थोड़ा अपने दर्शकों को फैंस को बता दीजिए। प्रोजेक्ट का तभी बता पाएंगे जब प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि यू ऑल नो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में साइंड होते हैं, तो जितना पूछना पूछ लो, हम बता नहीं पाएंगे जब तक आएगा नहीं। रेजोल्यूशन यही रहेगा हर साल की तरह कि बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट समबडी एल्स विल। ओके आखिरी सवाल बिग बॉस से जुड़ा हुआ सवाल है। यार नो बिग बॉस प्लीज, इट्स आवर शो मैन, नो बिग बॉस प्लीज। बट अगर आप तुम हमेशा बिग बॉस के बारे में पूछते हो मुझे, तुम खुद जाके देख लो, तुम बहुत अच्छे फैन हो उनके, पता है बहुत लोग एडिक्ट हो गए हैं उनसे जाके पूछो ना, हम तो देखते भी नहीं है शो। लेकिन आपका क्या, मैंने ऐसी लड़की वैसी लड़की कहा गया सिद्धार्थ शुक्ला ने, उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? यार ऑनेस्टली हमारा शो जो है रागिनी वो भी लड़कियों के लिए ही, मतलब वी आर गिविंग पावर टू द वुमेन, वी आर पुटिंग देम इन द फ्रंट, दे आर ऑलरेडी इन द फ्रंट, बट देन सम पीपल रियली नीड टू नो वेयर द वुमेन एक्चुअली स्टैंड। तो बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज़ हो या हमारे जैसे फिक्शन शोज़ हो, आई थिंक दोनों का मैसेज यही होना चाहिए, दैट रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबॉडी, इट्स नॉट जस्ट गर्ल और गाइस, रिस्पेक्ट अ ह्यूमन बीइंग, रिस्पेक्ट, आई बिलीव इन इक्वालिटी, आई डोंट बिलीव इन लड़की या लड़का अलग है, हम बिलीव करते हैं अगर आज इफ आई एम टेलिंग समथिंग टू द गाय ऑल्सो हैज़ ऑल द राइट्स टू टेल मी एनीथिंग, सो आई विल नॉट टेक इट एज के लड़की को ऐसे क्यों बोला, दैट्स नॉट मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you.